यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। सुमेरे जी तो आए कलामे मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौसू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, सब्बत के दिन को पाक मानना। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, फिर अपने अजीजों कारब को दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का यह सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करें, मेरे साथ मिलकर निकालें इल्मे शरीयत में से खुरूज की किताब और उसका 31वां बाब है और उसकी आयत मुबारक का 13वीं और 14वीं। खुदा खुदा ने बुजुर्ग मूसा के जरिया से कौम बनी इसराइल को कुछ यूं फरमाया, और तू बनी इसराइल से यह भी कह देना कि तुम मेरे सब्बतों को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावन तुम्हारा पाक करने वाला हूं। बस तुम सब्बत को मानना, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। कलामे मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम अहकामाते अशरा का मुतालिया करते हैं तो उसके अंदर भी खुदा खुदा ने एक हुक्म के तौर पर हर ईमानदार रासबाज और कलिसिया के मेंबर को ये हुक्म दिया कि तुम सब्बत के दिन को पाक मानना। मेरे चीजों, आज की जदीद दुनिया में हर इंसान अपने आप को इतना मसरूफ कर चुका है कि उसके पास पूरे हफ्ते में एक दिन भी इबादत के लिए नहीं होता। हर इंसान दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे भागता फिरता है और दुनिया में जिस्मानी चीजों और दुनियावी चीजों को हासिल करना चाहता है, और इसी वजह से उसके पास खुदावन्द खुदा के घर में खुदावन्द खुदा की हजूरी में बैठकर इबादत करने के लिए वक्त नहीं। लेकिन मेरे अजीजो, अगर हर फर्द बशर इस सब्बत की अहमियत को समझ जाए तो वो कभी भी सब्बत की इबादत को मिस ना करेगा। मेरे अजीजो, कलामे मुकद्दस के अंदर इबादत की बरकत के बारे में बहुत सी आयत मुबारक मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि सब्बत का मतलब क्या है। याद रखें इस बात को, सब्बत का मतलब है सातवां दिन, जिसका मीनिंग और मतलब है मुकद्दस दिन, पाक दिन, इबादत का दिन। इसके साथ इसको मुंसलिक किया जाता है। सुबेरजी तो याद रखें इस बात को कि खुदा खुदा ने कौम बनी इसराइल को और आज हर ईमानदार और रासबाज को सब्बत के लिए हदायत, रहबरी और रहनुमाई की है। सुबेरजीज हो, जब हम बाइबल मुकद्दस में लफ्ज सब्बत का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में इस लफ्ज का जिक्र हमें 174 मरतबा मिलता है, जिसका इब्रानी या यूनानी के अंदर मतलब और मीनिंग है सातवां दिन, पाक और मुकद्दस दिन, इबादत के लिए खुदा खुदा के हजूर वक्त गुजारने का दिन। मेरे अजीजो, जब हम यसाया नबी का सहीफा और उसका 58 बाब और उसकी आयत मुबारक 13वीं और 14वीं का मुतालिया करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अगर तू सब्बत के रोज अपने पांव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो और सब्बत को राहत और खुदावन खुदा का मुकद्दस
और मुअज्जम उसको कहे और उसकी तासीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तो तू खुदा उन खुदा में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे तेरे बाप यकूब की मरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदा उन खुदा ही के मुंह से ये अरशाद हुआ है। ये पैसेज हर ईमानदार रास्तबाज और हर फर्दे बशर को एक खास इनविटेशन देता है, एक खास दावत देता है कि अगर तुम सब्बत के दिन को अपना कारोबार ना करो, सब्बत के दिन अपने पांव को रोके रखो और अपने खानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुदा खुदा के इस सब्बत को पाक और मुकद्दस जानो और उसकी प्रोसेस करो, उसकी हमद और सताइश करो और उसकी इबादत करो, तो मैं तुम्हें दुनिया की बुलंदियों पर ले जाऊंगा और तुम खुदा खुदा में खुश खुरम रहोगे। मेरे अजीजों, जब हम सब्बत के दिन खुदा खुदा की इबादत अपने खानदान के साथ मिलकर करते हैं तो हम खुदा के हजूर से ताजा दम हो जाते हैं। सुबरेजी जो बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है, खुरूज की किताब और उसका 31वां बाब है और उसकी आयत मुबारका 17वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मेरे और बनी इसराइल के दरमियान ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदा खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताजा दम हुआ। मेरे अजीजों, इंसानी जिंदगी के अंदर 6 दिन काम करना और फिर 7वें दिन आराम करना, ये उसकी फिजिकली बॉडी के लिए भी मुफीद है और फिर उस दिन में अपने खानदान के साथ वक्त गुजारना और उस 7वें दिन को खुदा खुदा के हजूर इबादत में, दुआ में, रोजे में वक्त गुजारना, ये उसकी रूहानी तरक्की का बायस बनता है और वो फिर ताजा दम हो जाता है। मेरे अजीजों, खुदा खुदा का कलाम हमारी गाइडेंस करता है, रहबरी करता है, रहनुमाई करता है कि हम सब्बत के दिन इबादत में अपने पूरे खानदान के साथ वक्त गुजारते हैं तो तब खुदा खुदा हमको मसरूर कर देता है। सुबह, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशखुरमी हो, आपकी जिंदगी में ताजगी के दिन आए, आप ताजा दम हो जाएं, तो फिर जरूरी है कि आप सब्बत के दिन अपने पांव को रोके रखें, अपना कारोबार ना करें और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें। सुबह, अगर आप चाहते हैं कि आप खुशखुरम हो, मसरूर हो, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको सरफराज करे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा खुदा आपको यकूब की मरास में से खिलाए, तो फिर जरूरी है कि सब्बत के दिन अपने पांव को रोके रखें और कोई अपना कारोबार ना करें, कोई बिजनेस ना करें, बल्कि सब्बत के दिन अपने खानदान के साथ वक्त स्पेंड करें और अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ खुदा खुदा की इबादत करें, प्रस्तुति करें, दुआ में वक्त गुजारें, खुदा के कलाम को पढ़े, सुने, समझें और उस पर अमल पैरा होते हुए हमेशा की जिंदगी के वारस हो जाएं। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आप सब्बत के दिन अपने खानदान के साथ इबादत गुजार नहीं है, तो मैं आज आपको दावा देना चाहता हूं, अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हुए, सब्बत के दिन को पाक और पकीजा मानते हुए हमेशा की जिंदगी के वारस हो जाएं। खुदा आप सबको सब्बत के दिन अपने खानदान के साथ
इबादत में वक्त गुजारने की तौफीक अता करें। इस मैसेज को खुद सुने, फिर दूसरे लोगों को जरूर शेयर किया करें ताकि लोग इसके वसीला से बरकत पाएं और खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।